नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध सिंह। आज अंत प्रदेश में बात करेंगे यूक्रेन युद्ध की। कैसे रुक सकता था युद्ध और क्यों भारतीय लोग यूक्रेन या पूर्व रशियन संघ में MBBS करने जाते हैं। पहले बात शुरू करते हैं, कैसे थम सकता था युद्ध। देखिए, कोई भी समझदार इंसान होता, जैसे मैं ही किसी अभी एक व्यक्ति से कहूँ जाओ अमुक व्यक्ति की एक झापड़ मार गया हो, तो जो मूर्ख होगा उठेगा, एक जाके कंटाप देगा बगैर सोचे, और जो समझदार सा व्यक्ति होगा वो 20 बार सोचेगा कि ये क्यों पिटवाना चाह रहे हैं CEO साहब, इनका क्या लाभ है, मैं क्यों पीटूं, ये खुद क्यों नहीं पीट देते हैं। इस तरीके की चीज़ें अगर इतनी ही कूटनीति समझते, जो सामान्य सा देहाती आदमी भी समझता है ज़ेलेंस्की, तो ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और एक लाइन बोल देता है कि नो नेटो, मैं अभी नेटो में शामिल नहीं हो रहा हूँ, अभी विचार कर रहे हैं सिर्फ, तो युद्ध नहीं होता, थम जाता। आप आराम से पहले अपने देश को स्ट्रांग करते। हर देश को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है, लेकिन किसी आप महाशक्ति से टकरा रहे हो, दो महाशक्तियों के बीच में आप हिस्सा बन रहे हो या पिस रहे हो, और जो यूरोपियन कंट्री हमेशा किसी का साथ नहीं दिए, हमेशा इन लोगों ने डिस्टर्ब क्रिएट किया है, पूरी दुनिया इसकी गवाह है। कितने भी आप देख लो, युद्ध देख लो, चाहे जो भी उदाहरण देख लो पुरानी दुनिया के, सब में कहीं ना कहीं इनके द्वारा खुराफात की गई है। ये ज़ेलेंस्की नहीं समझ पाए, अभी तक भी ज़ेलेंस्की उसी की भाषा, उन्हीं लोगों की भाषा बोल रहे हैं, और अपने देश को एक तरीके से खंडर में तब्दील करवा दिए। कोई भी देश बनने में सालों लगते हैं, सदियां लग जाती हैं, और तबाह होने में दिन दिन लगते हैं, और वही हो रहा है ना। रशिया को टूटे हुए 30 साल हो गया, उसको वापस अपने जगह इस जगह तक आने में 30 साल लगा है, और आप एक छोटे से गैर संसाधन के देश हो, आपको षड्यंत्र के तहत इन्हीं नेटो देशों ने आपकी रसिया से मिलकर आपके सारे परमाणु बम खत्म करवा दिए। अगर भारत भी इस तरह के सेंसन से डरता, अटल बिहारी जी स्टैंड नहीं लेते, तो कभी भारत परमाणु शक्ति देश नहीं बन पाता, और हमेशा आस पड़ोस से डरा रहता। वही हुआ है। अब दूसरा, क्यों लोग वहाँ MBBS करने जाते हैं, मैं बताऊँ, जो पैसे वालों के बच्चे होते हैं वही जाते हैं वहाँ MBBS करने, जो है एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं मेडिकल का, वो जाते हैं करने के लिए। और मैंने प्रैक्टिकल अनुभव से बता रहा हूँ कि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने किया है, जिसमें सिर्फ 5% ही बच्चे हैं जो वहाँ से आने के बाद फिर ऑल इंडिया मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर पाते हैं। अदरवाइज 95 सिर्फ अपनी डिग्री लेके कोई हॉस्पिटल खोल लेता है, उसका मैनेजर होता है, हॉस्पिटल मैनेज करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सिर्फ वही लोग जाते हैं, ये कड़वा सच है, जिनके पास पैसे होते हैं, और जो बच्चे योग्य प्रतिभाशाली हैं वो यहीं क्वालिफाई कर लेते हैं, यहीं करते हैं। अब हालांकि अब ऑल इंडिया मेडिकल टेस्ट इंडिया वालों के लिए भी कंपलसरी हो गया कि करने के बाद वो भी क्वालिफाई करेंगे, उनको भी करना होगा, लेकिन जो इंडियन पढ़ के आते हैं, जो खुद ही एंट्रेंस क्वालिफाई करके आ रहे हैं, उनके लिए मेडिकल टेस्ट पास करना कौन सी बड़ी चीज़ है। तो आज के अंत प्रदेश में बस इतनी सी ही बात। थैंक यू वेरी मच।